दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोयाबीन के कोफ्ते। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे बनाते हैं और इनमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन में पानी ले लेंगे। सॉस पैन या आपके पास जो भी बर्तन है उसमें पानी ले लेंगे। पानी में कुछ 4-5 छोटे छोटे साइज के आलू रख देंगे। उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करने के बाद उसमें पानी डाल के उसको पकने के लिए रख देंगे। आलू को पूरा पका लेंगे। आलू को आधा जब पका लेंगे उसके बाद हम इसमें एक कटोरी सोयाबीन के रख देंगे। तो दोस्तों, मैंने आलू को पकने के लिए अभी छोड़ दिया है। अब तब तक मैं इसके मसाले तैयार कर लेती हूँ। आलू पक रहे हैं तब तक। मसाले के लिए मैं मिक्सी जार ले लेती हूँ। उसमें जार में मैंने 3 छोटे छोटे साइज के टमाटर लिए हैं, एक मीडियम साइज की प्याज, और कुछ मैं लाल मिर्च पाउडर के यूज ना करके हरी मिर्च जो मेरे पास है वो सूख गए हैं, मैं उनको इसमें यूज कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना मिर्ची खाना पसंद करते हैं, जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं मिर्च। मैं एक टीस्पून इसमें जीरा भी ले रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा 4-5 दाने काली मिर्च के रखती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। अब आलू मेरे अधपके से हो गए हैं। अब इसमें मैं सोयाबीन के डाल देती हूँ। वो थोड़ा सा हिला के फिर मैं इसे पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं मसाले अब इसके बाद पीस लेती हूँ। हमारे मसाले पीस चुके हैं। मसालों का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के रख लेती हूँ। मैंने 10 मिनट तक सोयाबीन को पका लिया है। उसके बाद मैं फिर इसे 10 मिनट तक ठंडे होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मेरे सोयाबीन ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे ऐसे इसमें से पानी निकाल लूंगी, ऐसे दबा दबा के अच्छी तरह से। अभी बहुत बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हुए, अभी थोड़े हाथ जल ही रहे हैं। थोड़े थोड़े करके मैं इनके पानी निकाल लूंगी। ये सोयाबीन के सारे पानी निकाल लिए हैं। अब मैं इसे मिक्सर जार में रखूंगी। आलू को मैं इसमें ग्राइंड नहीं करूंगी। आलू को हाथ से मैश करके मैं इसमें डाल दूंगी। इन सारे सोयाबीन को मैं मिक्सी में पीस लूंगी। अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। पानी नहीं डालना है बिल्कुल इसमें। सोयाबीन को पीसते समय थोड़े थोड़े बीच बीच में मैं इसे चला दूंगी, नहीं तो ये नीचे के पिस जाएंगे, ऊपर के ऐसे ही रह जाएंगे। सोयाबीन मेरे पिस चुके हैं। अब मैं इसे इसमें आलू ऐड करूंगी। आलू को ऐसे मैश कर करके मैं इसे पहले अच्छे से मैश करके दोनों को मिक्स कर लूंगी।
अब ये दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन को कूट के रखी हूँ वो डालूँगी। उसके बाद थोड़ा सा प्याज, फिर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जो मसाला मैंने पीस के रखा था उससे में से भी थोड़ा सा, इससे इनका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, फिर नमक स्वादानुसार, नमक आप जितना खाते हो उसके हिसाब से रख सकते हो। और मैं इसमें गरम मसाले के बदले थोड़ा सा चिकन मसाला रखना पसंद करूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अभी बाइंड नहीं हो रहा है इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच बेसन यूज करूंगी। ये देखिए मैंने 1 चम्मच मैदा, थोड़ा सा मैदा और रख लूंगी, 1 चम्मच और रख लूंगी क्योंकि ये बाइंड जल्दी नहीं होते हैं सोयाबीन, इसलिए मैं 2 चम्मच के 2 चम्मच मैदा रखूंगी। मैं 2 चम्मच बेसन के रखूंगी। इन सबको अच्छे से मैश कर लूंगी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब मैं इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करूंगी। ऐसे ऐसे करके इतने बहुत सारे बॉल्स बना के रख लूंगी। एक तरफ में तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ। जब तेल गरम हो जाएंगे तब उसमें, तेल गरम हुआ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़े डालूंगी। तेल मेरे गरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें बॉल डालना स्टार्ट करूंगी। एक एक करके मैं इसमें बॉल्स डालते जाऊंगी। जितने आ सके मैं उतने डाल सकती हूँ इसमें। इनको इतनी जल्दी नहीं पलटना है। जब ये एक साइड के पक जाए मैं आंच को पहले मीडियम कर देंगे। जब ये एक तरफ से पक जाएंगे उसके बाद दूसरी तरफ से पकाने के लिए इसको इनको पलटेंगे। तब तक दूसरी कढ़ाई में हम मसाले इसके तैयार कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। जब ये गर्म हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। मैं यहाँ सरसों तेल यूज कर रही हूँ, आपको जो पसंद हो वो तेल यूज कर सकते हैं। मैं 2 बड़े चम्मच के हिसाब से तेल डाल रही हूँ। तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। इसमें मैं 2 मिर्च डालूंगी। ये उड़ेंगे क्योंकि मैंने इसे तोड़ा नहीं है। इसमें मैं 2 तेज पत्ता डाली हूँ। एक साइड मैं इन्हें भी पलट देती हूँ तो ये एक साइड पक चुके हैं, दूसरे साइड के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरे साइड को मैं भी अब पका लूंगी। इसमें मैं जीरा रखूंगी। जीरा मैंने 1 टीस्पून यूज किया है।
जीरा के बाद मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था वो रखूंगी। उसके बाद मैं प्याज जो काटी थी वो रखूंगी। एक मीडियम साइज के प्याज मैंने काट के रखे थे उसे रख लिया। इन आँच को मैंने एकदम से लो फ्लेम पे कर दिया है कि मेरे दोनों तरफ के काम हो जाए और जल्दी से बन जाए। इधर मैं इसे होने दे रही हूँ, तब तक मैं अपना पकौड़ा देख लेती हूँ। ये भी होने ही वाले हैं, लगभग लगभग तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके लिए बड़ी छन्नी लेके आती हूँ। ये तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसे बड़ी छन्नी में निकाल लेती हूँ। पूरे गुलाब जामुन के जैसे देखने में लग रहे हैं ये। इसे निकाल के मैं इसमें का एक्स्ट्रा तेल निकाल लूंगी, ऐसे करके। फिर मैं इन्हें एक बर्तन में रख लूंगी। फिर से मैं दूसरा वाला जो बचे हुए हैं उन्हें तल लूंगी। दूसरे जो बचे हुए थे उसको मैंने तलने के लिए रख दिया, उसको इस तरह हिला लूंगी जो ये एडजस्ट हो जाए अपने आप में। ये एडजस्ट हो चुके हैं, तब तक मैं मसाले देख लेती हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। इधर ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तब तक मैं इन मसालों में जो मसाले मैंने पीसे थे उनमें हल्दी एक चम्मच, थोड़ी सी और रख लेती हूँ आधी चम्मच, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हरी लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी बार, मान लो 1/4 चम्मच, चिकन मसाला 1 चम्मच मैंने यूज किए हैं। इन सारे मसालों को जब मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, अब हो चुके हैं, इनमें मैं ऐड कर दूंगी सारे मसाले। मसाले रखने के बाद आंच को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं, फिर मसाले को फ्राई कर लेते हैं। अब मैं मसाले को एक बार चेक कर लेती हूँ। जब साइड साइड से इसके तेल निकलने लगेंगे तब तक मैं इसे फ्राई करूंगी। देखिए इसमें साइड साइड से तेल निकलना शुरू हो गया है, थोड़ी देर मैं इसे और फ्राई करूंगी। थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद इसमें अलग सी खुशबू आने लगेगी। दोस्तों ये मसाले मेरे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। फिर पानी को ऐसे देख लूंगी टेक्सचर इसका। इसमें मैंने हरी मिर्च को पीस के यूज किया था, इसलिए इसका कलर इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, बट ये खाने में बहुत टेस्टी होगा। मैं हरी मिर्च इसलिए यूज की हूँ इसमें क्योंकि
बहुत सारे लोगों को गैस को गैस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये नुकसानदेह नहीं हो। उन्हें चटपटा खाने का मन हो तो खा सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर से गैस ज़्यादा बनता है, इस कारण हरी मिर्च सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अब मैं इसमें बॉल्स ऐड करूँगी। बॉल्स जो है, जो भी इतने बॉल्स है उसको ऐड कर लूँगी। धीरे धीरे करके डाल देती हूँ। अब मैं इसे एक बार मिला देती हूँ। इनको ढक के 5 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। दोस्तों मेरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छे से तैयार हो चुका है, ये खाने लायक हो चुका है। इसे एक बार प्लेट में डाल के अब गैस को बंद कर देते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के आपको बताती हूँ कैसे बने। ये देखिए, देखिए ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों देखो, इस रेसिपी को बनाने में टाइम तो बहुत लगते हैं, थोड़े टाइम देने पड़ते हैं, थोड़े पेशेंस की जरूरत पड़ती है, बट ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे अगर एक बार घर वालों को खिलाओ तो बार बार बोलेंगे बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।